नमस्कार। सो आप में से कई लोगों ने कमेंट में मुझसे पूछा था, सर आप क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कॉलेज है तो क्या आप अपनी तरफ से रैंकिंग ऑफ कॉलेजेस दे सकते हैं स्टेट बाय स्टेट? कोई दिक्कत नहीं, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस देखिए, और जिनको फीस की चिंता नहीं है अगर आप चाहें, या जो मेरे पेड क्लाइंट्स होंगे, हम तो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट की लिस्ट बनाते हैं। आप समझे बात को कि भाई जिसमें यह है कि ये तीन गवर्नमेंट के अच्छे हैं, फिर प्राइवेट अच्छा है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, ये अगर आपको फीस का दिमाग में कुछ कंसिड्रेशन है ही नहीं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में हम सब जैसे ही जानते हैं टोटल 31 कॉलेज थे 2023 तक, और मैं आपको एक दो नहीं टॉप 10 बताता हूँ, लेकिन इस टॉप 10 में मैं फीस का फैक्टर हटा रहा हूँ। ओके, सो फीस का फैक्टर हटाते हुए ये है, नंबर एक इररिस्पेक्टिव ऑफ फीस स्ट्रक्चर इज श्रीराम मूर्ति बरेली। आपने मेरा वीडियो भी देखा होगा, हर फैक्टर से शानदार कॉलेज और सोने पे सुहागा कि फीस भी कम, 75 लाख में आपका काम हो जाए। तो श्रीराम मूर्ति बरेली तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल इंडिया के ही टॉप 10 या टॉप 20 प्राइवेट में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यूपी का मैं उसे नंबर वन कह रहा हूँ तो आराम से आ जाएगा, मतलब शी विल गिव टफ फाइट टू इवन कस्तूरबा एंड JSS मैसूर एंड अमृता कोची टाइप ऑफ कॉलेजेस, श्रीराम मूर्ति बरेली। नंबर टू इंटरेस्टिंगली, और देखिए अगर आप माइनॉरिटी को नहीं कंसिडर करते एट ऑल, एंड अगेन आई रिपीट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, वुड बी इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज लखनऊ। जी हाँ, इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज, शानदार कॉलेज, हर लिहाज से शानदार। नंबर तीन पे मैं लेकर आऊँगा एक्चुअली तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद को, अगेन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इफ यू डोंट कंसिडर हायर फी बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी। नंबर चार ईरा मेडिकल कॉलेज वंस अगेन फ्रॉम लखनऊ, जी हाँ। नंबर पाँच वुड बी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस शारदा, जो ग्रेटर नोएडा में है, नंबर पाँच पे आएगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, मैं फीस की बात नहीं ले रहा हूँ, ओवरऑल गुड मेडिकल कॉलेज। नंबर छः पे वी कैन टेक सुभारती मेडिकल कॉलेज जो मेरठ में पड़ता है। नंबर सात पे एक्चुअली आई विल टेक हिंद बाराबंकी, जी हाँ हिंद बाराबंकी वुड बी एट नंबर सेवन आउटस्कर्ट्स ऑफ लखनऊ, और गुड लोकेशन, एवरीथिंग वेरी वेरी गुड। वेरी फ्रेंकली एक्चुअली सुभारती और हिंद बाराबंकी में देर इज़ ए टफ फाइट बिटवीन नंबर 6 एंड 7। ओके, तो बाराबंकी नंबर 7 हो गया। नंबर 8 वुड डेफिनेटली बी रोहिला खंड मेडिकल कॉलेज बरेली, नंबर 8। नंबर 9 मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, एंड नंबर 10 हिंद मेडिकल कॉलेज सीतापुर। तो ये होंगे उत्तर प्रदेश के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज अगर हम सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी की बात करें। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। और इस तरह आप हमारी काउंसलिंग में देखिए, पर ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के हो गए, पर इसी में अगर आप हरियाणा के भी जोड़ लेंगे, आप हिमाचल के भी जोड़ लेंगे, आप उत्तराखंड के भी जोड़ेंगे, सो दिस रैंकिंग स्टार्ट्स गेटिंग चेंज। फी को अगर कंसीडर करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि माइनॉरिटी के अलावा जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं यूपी के, उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है, तो हर तरह के कस्टमर, तो मैं हमेशा कहता हूँ आप डिफरेंट हो अपने पड़ोसी से। मेरे पास कुछ लोग आते हैं, सर बजट का इशू है ही नहीं, और जैसा मैं कहता हूँ कि मेरे पास आके कई बार ऐसा हुआ कि लोगों को सरकारी सीट मिल रही थी और वो छोड़ के देव गॉट टू गॉन्ट टू टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, राइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं सर तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले उत्तर प्रदेश में रहना है, कुछ होते हैं लखनऊ के रहने वाले हैं जी लखनऊ के आसपास ही रहना है, तो हमारा तो जी हिंद बाराबंकी, हिंद सीतापुर, या सीतापुर भी थोड़ा दूर है, हम तो जी प्रसाद और TS मिश्रा में भी चले जाएंगे, माइनॉरिटी में नहीं जाना अगर आपके मन में वो चीज़ें हैं। तो हर बंदा अलग होता है, कोई बिल्कुल माइनॉरिटी भी कंसीडर नहीं करता, स्पेशली एफ आई एम टेलिंग यू कि ईरा और इंटीग्रल में तो खासकर आपको महसूस भी नहीं होगा माइनॉरिटी, वैसे तो करियर में भी नहीं होता जो लखनऊ में है, लेकिन हर एक फैमिली डिफरेंट होती है। और मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ, सलाह भी लेनी है ना तो या तो अपने दिल से पूछिए या उस काउंसलर से बात कीजिए जो न्यूट्रल है, जो जिसके लिए हिंदू मुस्लिम सेम है, जिसके लिए फीस इज़ इम्पॉर्टेंट बट उसके दिमाग में बायस नहीं, उसके दिमाग में उत्तर प्रदेश के लिए बायस नहीं है। हाँ, एज ए पर्सन मैं हमेशा कहता हूँ कि नॉर्थ इंडियन शुड स्टे इन ए नॉर्थ इंडियन कल्चर, अगर नॉर्थ इंडियन है तो हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दैट मैटर बिहार, छत्तीसगढ़, सब हमारी कंसिडरेशन में है, महाराष्ट्र, उसके अंदर से हमें अपने बेस्ट मेडिकल कॉलेज लेने हैं। क्या हमें प्योर क्वालिटी देखनी है? हमें क्वालिटी प्लस फीस देखनी है, हमें लोकेशन भी देखनी है, हमें अपने घर से दूरी देखनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब हम मिलकर डिसाइड करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें मैं पेरेंट्स के दिल से पूछता हूँ, और वही चीज़ें होती है जो अच्छे काउंसलर का काम है। आप एक फ्रेंड हो सकता है, उसने सीधा बोला होगा जी मेरा बच्चा तो मुजफ्फरनगर मेडिकल गया क्योंकि वो पैसे नहीं खर्च करना चाहता था, राइट।
तो उसकी कंसिडरेशन कुछ और हो गई। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे पास नॉर्मल, हम स्टडी अब्रॉड में भी बड़ा काम करते हैं तो स्टडी अब्रॉड के लिए मेरे पास लोग आते हैं, कैनेडा एक अलग फैमिली जाती है, यूके एक अलग फैमिली जाती है, ऑस्ट्रेलिया एक अलग फैमिली जाती है। अब कई बार ऐसा होता है कि एक फ्रेंड ने अपने बच्चे को यूके भेजा, क्योंकि उस फ्रेंड की लाइफ क्राइटेरियाज डिफरेंट है, वो कोई पीआर नहीं देख रहा, ही इज़ जस्ट लुकिंग फॉर क्वालिटी एजुकेशन। बट उन्होंने मुझे दोस्त को रिकमेंड किया, पर दोस्त से जब मैंने बात की तो ही वॉज नॉट एज रिच एज द फर्स्ट गाय। तो मैं भी उनके लिए ये था, नहीं सर मेरे तो इन्वेस्टमेंट है बाहर भेजना, तो हमें तो वहाँ भेजना है जहाँ बच्चा वापस ना आए, हमने उसको कैनेडा रिकमेंड करा। सिमिलरली MBBS इंडिया काउंसलिंग में भी हम हमेशा कहते हैं दो उंगलियाँ सेम नहीं होती, तो दो परिवार कैसे सेम हो जाएंगे। सो आपका डिसीजन आपका होना चाहिए, आपके लिए बेस्ट क्या है उसके हिसाब से गाइड करना हमारा काम होता है। वही हमारी स्ट्रेंथ है कि इंडिविजुअल फैमिली स्टूडेंट को देख के राइट गाइडेंस देना, और वही आपको चाहिए तो कॉल अस ऑन 9643-6230, यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, और हम आपको बताएंगे कैसे आपको अपनी काउंसलिंग के साथ आगे बढ़ना है। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।